अभी मैं बताऊंगा, चैप्टर लेक्चर सब बताऊंगा, ये तो मेरा काम है, ठीक है, तुम्हारा काम भी मैं करूं, अपना काम भी मैं करूं। हाँ बढ़िया, रिवाइज दिस चैप्टर्स ट्वाइस बिफोर द एग्जाम, करेक्ट दिस मिस्टेक्स इमीडिएटली। आपको भी डील कर लेंगे बेटा, मत करो जल्दबाजी, मत करो, भी डिस्कस कर लेंगे जो पता है। अब ध्यान से देखो, ये जो हमने सेंटेंसेस लिखे ना, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, रिवाइज दिस चैप्टर्स ट्वाइस बिफोर द एग्जाम, मतलब हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। और रिवाइज वर्ब के साथ में ध्यान से देखो, सब्जेक्ट नहीं लिखा, सब्जेक्ट मिसिंग है, ध्यान देखो, ये जो रिवाइज हमने लिखा ना बेटा, ये वर्ब है, दिस चैप्टर्स इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहां पे करेक्ट वर्ब है, दिस मिस्टेक्स जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है इंपेरेटिव सेंटेंस, जब हम किसी को ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक, तो वो सेंटेंसेस इंपेरेटिव होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो लिखा नहीं जाता, बोला नहीं जाता, अंडरस्टूड रहता है, लिखा बोला नहीं जाता। तो रिवाइज वर्ब के साथ में सब्जेक्ट लिखा नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है, कौन, लिसनर, जिससे बात कही जा रही है वही सब्जेक्ट है, और लिसनर यू होता है हमेशा। करेक्ट दिस मिस्टेक्स ऑर्डर है, कि भी तुरंत मिस्टेक्स करेक्ट करो, तो ये ऑर्डर है, ठीक है, इसका भी सब्जेक्ट है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हम किसी को एडवाइस, ऑर्डर या रिक्वेस्ट करते हैं, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, वो लिखा बोला नहीं जाता, अंडरस्टूड रहता है, ठीक है, ये बात सबको ध्यान रखनी चाहिए। और सेंटेंस की शुरुआत डायरेक्ट वर्ब्स हो जाती है, तो ये बात समझ में आ गई कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। अब एक छोटी सी बात और समझ लो, कि जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका सब्जेक्ट तो यू होता है, ये ध्यान रहेगा, बस एक चीज और बताओ कि उनका इफेक्टिव टाइम क्या होता है। जैसे हमने किसी से कहा रिवाइज दिस चैप्टर्स ट्वाइस, कि भाई दो बार ये चैप्टर्स रिवाइज कर लो, तो ये जो हमने एक्शन यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में लिखा है, इसका इफेक्टिव टाइम क्या होगा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? अगर मैंने क्या पूछा समझ में आ गया हो तो बता दो, जो मैंने पूछा है बच्चे, अगर ये समझ में आ गया हो कि मैंने क्या पूछा है, ठीक है, कुछ को तो हो सकता समझ में नहीं आया पूछा क्या गया, लेकिन जिन्हें समझ में आ गया हो क्या पूछा गया वो आंसर बताएं, प्रेजेंट, मतलब तुम्हें ये समझ में आ गया क्या पूछा गया, बढ़िया। इनका इफेक्टिव टाइम होता है फ्यूचर, अगर तुम किसी पर्सन को ऑर्डर करोगे कि ये कर लो, तो ऑर्डर किया तुमने प्रेजेंट में, अब काम करेगा ऑर्डर होने के बाद में, फ्यूचर में, तो इनका इफेक्टिव टाइम फ्यूचर होता है, ठीक है। अब ये बस हमारी इंग्लिश पढ़ने के तरीके ऐसे हैं गलत, कि हमें डिपेंड करते रहना पड़ता है, कोई हमें टीचर बताए तो ये हम जान पाएंगे, नहीं तो हम अपने आप सोच समझ नहीं पाते, क्योंकि इंग्लिश में हमारी सोचने समझने की आदत नहीं डलवाई गई होती है, ठीक है, उसकी गलती मेरी भी हो सकती है, तुम्हारी भी हो सकती है, दूसरों की भी हो सकती है, बट बच्चों की ऐसी आदत नहीं डलवाई जाती है कि इंग्लिश में भी वो सोचें समझे, वो बस याद करते हैं, ठीक है। अपने आप बच्चा जरूरत पड़ने पर सोच समझ नहीं सकता, तो वो समझता है हर एक चीज हमें टीचर बताए, दुनिया का कोई भी टीचर, दुनिया का मैं कह रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा, ठीक है, दुनिया का कोई भी टीचर, ठीक है, सब कुछ ना जानता है ना सब कुछ पढ़ा सकता है। हमेशा एग्जाम में नए क्वेश्चंस आएंगे, हमेशा एग्जाम में आपको नई सिचुएशंस मिलेंगी जो आपको अपने आप समझकर ही आंसर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बेसिक्स और फंडामेंटल्स उनके इतने क्लियर कर देने चाहिए, बार बार डिस्कस करनी चाहिए, जिससे कि वो नए क्वेश्चंस को देखकर समझकर उनको आंसर करते हैं। और कोई भी पर्सन अगर ये कह दे कि वो वही जो पेपर में आएंगे वो सारे क्वेश्चंस उसको पता है और वो सारे मतलब उसको मतलब एग्जांपल्स पता है, तो ये बदतमीजी, उसे पेपर दिलवा लो, प्रीवियस ईयर दिलवा दो, सारे नंबर आ जाए, नहीं आते। तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपको एग्जाम में नए क्वेश्चंस ही देखने को मिलेंगे, पुराने तो भूल जाओ, दो चार पांच मान लो प्रीवियस ईयर के अभी जाए तो अभी जाए, ठीक है, वो अलग बात है, ठीक है। तो मान लो प्रीवियस ईयर के दो चार एग्जांपल आ गए तो आ गए, पूरा पेपर तो नहीं आ जाता ना प्रीवियस ईयर का, चक्कर तो हमें बच्चे को मेंटली इस चीज के लिए तैयार कर देना चाहिए कि भैया पेपर में नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो तुम्हें समझ कर करने पड़ेंगे, तुम रट्टा मार के मत जाओ, ये मत सोचो कि जो मैंने क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करवाया ये वाला पेपर में मिल जाएगा, 50 में से एक दो मिल भी जाए तो एक दो से एग्जाम थोड़ी मतलब क्लियर हो जाता है ना, एक दो से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे की हमें आदत डालने की जरूरत है कि भाई सोचने की आदत डालो, धीरे धीरे सोचा करो, ठीक है। अब बच्चा सोचना चाहते नहीं, वो जाता है हर एक चीज हमें टीचर कराएं, क्या ये हो गया सर, क्या वो हो गया, क्या ये कंप्लीट हो गया, मैं भले तुम्हें झूठ बोलने के लिए कह दूंगा कंप्लीट हो गया, सच्चाई है कि कुछ भी चीज कभी भी कंप्लीट होती ही नहीं, कोई चीज कभी कंप्लीट होती नहीं। तुम्हें से जो बच्चे थोड़ा वो साइंस में इंटरेस्ट रखते होंगे, बड़ी गहरी बात बताने जा रहा हूं, अगर वो समझ पाए तो, तुम्हें से जो बच्चे फिजिक्स वगैरह पढ़े होंगे 11th 12th में, उनको ये पता होगा कि जो हमारा यूनिवर्स है ना वो लगातार एक्सपेंड कर रहा है, बिग बैंग के बाद से लगातार ये विस्तृत हो रहा है, इसका विस्तार हो रहा है, आई बात समझ में? कुछ को पता होगी बात, कुछ बच्चों को पता होगी, जिन्हें पता होगी वो बताएंगे कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है, ये लगातार विस्तार हो रहा है इसका, ठीक है। तो जो लल्लू बच्चे होते हैं ना मोटे दिमाग के, जो समझने की आदत नहीं डालना चाहते, ठीक है, एंट्रोपी एक्जैक्टली, ठीक है, वो ये चाहते हैं कि हमें सब कुछ टीचर बता दे और एक लाइन खींच दे, कहे बस ये लाइन है, इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, वो इतने में मौज करेंगे, क्योंकि फिर उनको पता है हमें दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। और मैं दूसरे तरीके का टीचर, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, कि आप खुद को इस तरीके से कॉन्सेप्चुअली और लॉजिकली तैयार करो कि नए क्वेश्चंस देखने को मिल जाए तो आप समझ के अपने आंसर कर पाओ। लेकिन हमें पता है कि ऑनलाइन तैयारी करने वाले कितने बच्चों की बातें समझ में आती है, ना के बराबर बच्चों को समझ में आती है, ठीक है, और ना के बराबर ही होते हैं जिन्हें पढ़ा रहे हैं, बात समझ में आ रही है? तो सोचा करो, समझा करो, आदत डालोगे ना तो ये हर एक चीज तुम्हें दूसरे से पूछनी थोड़ी पड़ेगी जाके कि कभी अंकुल से मिलेंगे पढ़ाएंगे तभी हम जान पाएंगे, बात अपने आप ही पता चल जाती है। और आजकल तो 21वीं सदी है, ठीक है, बच्चे वैसे 5G 4G हैं। चलो तो अब कुल मिलाकर मैं तुम्हें फिर से बात बताता हूँ, पूरी सुनो ध्यान से, ये हमारे लिखे गए सेंटेंसेस इंपेरेटिव है, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, चाहे कोई हमें बताए चाहे ना बताए, वो यू ही होता है, डन। उसके बाद में दूसरी चीज, जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका इफेक्टिव टाइम फ्यूचर होता है,
उसका इफेक्टिव टाइम क्या होता है, फ्यूचर होता है, क्योंकि अगर हम किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं तो वो काम फ्यूचर में होगा जाए, तो उसका इफेक्टिव टाइम फ्यूचर होता है, फ्यूचर का मतलब है विल सर, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग इनका क्या बनेगा, विल यू, भैया तो पता चल गया इंपेरेटिव सेंटेंस का इफेक्टिव टाइम फ्यूचर होता है, ठीक है, और सब्जेक्ट यू होता है, तो दोनों का क्वेश्चन टैग हो गया विल यू, ठीक। तो ये सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, द क्वेश्चन टैग ऑफ इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स इज विल यू, द क्वेश्चन टैग ऑफ एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट इज विल यू, द क्वेश्चन टैग ऑफ एन इंपेरेटिव स्टेटमेंट इज विल यू। तो विल क्यों आया, यू क्यों आया, तुम समझ गए होगे। अब एक छोटी सी बात यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं, हमने वांट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि स्टेटमेंट तो फर्स्ट में तो हमें वांट क्यों नहीं लिखा, तो मैं बता देता हूँ, क्या ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं ना बच्चे, ये ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट होते हैं, हम किसी को कुछ बता नहीं रहते, हम किसी को कुछ ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट कर रहे थे करने के लिए, तो हमारा जो एंटीसिपेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, हम किसी को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करते हैं तो ये मान के करते हैं कि वैसा करेगा, अगर हमें किसी पर्सन से उम्मीद ही ना हो कि वैसा करेगा तो हम उसको ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट नहीं करते, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट उसी को किया जाता है जिससे हमें उम्मीद रखते हैं कि ये ऐसा करेगा, तो इनका एंटीसिपेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इनका क्वेश्चन टैग भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो रिवाइज दिस चैप्टर ट्वाइस बिफोर द एग्जाम विल यू, करेक्ट दिस मिस्टेक्स इमीडिएटली विल यू, एक तो ये हो गया, एक दो क्वेश्चन और देख लो, मैंने एक सेंटेंस लिखा प्लीज हेल्प मी, क्वेश्चन टैग, ठीक। दूसरा लीव माय ऑफिस नाउ, निकल जाओ मेरे ऑफिस से, सारे बच्चे के क्वेश्चन टैग लीव माय ऑफिस नाउ, अब ध्यान से देखना, लीव माय प्लीज हेल्प मी ये रिक्वेस्ट है, लीव माय ऑफिस नाउ ऑर्डर है, तो दोनों इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग इनका क्या बन जाएगा, प्लीज हेल्प मी का हो गया विल यू, leave my office now will you, तो एक तो आपको ध्यान ही रखने की कोई भी imperative sentence है ना उसका question tag will you तो हमेशा ही होता है, ठीक है, will you उसका default question tag होता है, आप कभी भी use कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो हमें ज्यादा politeness वगैरह express करनी है तो हम would you या could you भी लिख सकते हैं, मतलब जो models ने पढ़ा था ना politeness के लिए हम use करते हैं, तो हम would you या could you का भी use कर सकते हैं, please help me would you, ठीक है। अच्छा उसी तरीके से अगर मान लो हम कभी किसी को कुछ command करें, ठीक है, threaten करें, हम कहें कोई काम करने के लिए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर हमें नाराजगी गुस्सा जाहिर करना होता है या धमकी देनी होती है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम want to भी लिख सकते हैं, want to, नहीं जाओगे यहां से धमकाते हुए, ठीक है, can't you, तो ये भी अपना ध्यान देना कि जो हमारे imperative sentences होते हैं उनका question tag will you तो हमेशा ही होता है, ठीक है, लेकिन हम जरूरत पड़ने पे politeness वगैरह express करने के लिए would you का use या नाराजगी जाहिर करने के लिए गुस्सा जाहिर करने के लिए धमकी के sense में want to या can't you का भी use कर सकते हैं, ठीक है, ये भी अपना ध्यान रखना, shall नहीं लिखा जाता यू के साथ, बेवकूफी कम दिया करो, next में जाओ, अब हमने लिखा let's help this man, आओ इस आदमी की मदद करते हैं, let's go out for a walk, चलो घूमने चले, अब यहां पे ध्यान से देखना, जब हम let's लिखते हैं तो यहां पे सब्जेक्ट पता है बच्चे क्या होता है, जब हम लेट्स लिखते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वी, यहाँ पे सब्जेक्ट होता है वी, ये सजेशन होता है, ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस, बट यहाँ पे सब्जेक्ट यू नहीं है, जब हम कहते हैं किसी से लेट मोहन गो, भाई मोहन को जाने दो, ठीक, तो अगर हम किसी से कह रहे हैं लेट मोहन गो तो यहाँ पर सब्जेक्ट है यू, कि यू को हम ऑर्डर कर रहे हैं भाई मोहन को जाने दो, ठीक, तो ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन टैग बन जाएगा विल यू, लेट मोहन गो विल यू, ठीक है, वहां देखो क्या वहां लेट्स लिखा, लेट्स का मतलब आओ हम, का मतलब जो हमारा लिसनर है यू वो, और जो बोल रहा है इस बात को वो, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो फर्स्ट और सेकंड पर्सन का वहां पे क्या हो गया वी, तो यहां पे सब्जेक्ट यू होता है लेट में, लेकिन लेट्स में सब्जेक्ट वी हो जाता है, बाकी फ्यूचर वो भी है, ये भी है, तो क्वेश्चन टैग यहां पे हमने विल यू लिखा था, अब यहां पे वी है तो वी के साथ विल ना यूज करके शैल यूज करेंगे, शैल वी, तो अगर हमारे क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट जो है, अगर हमने क्वेश्चन टैग में लिखा लेट्स, तो क्वेश्चन टैग बनेगा शैल वी, ठीक है, शैल वी की जगह शुड वी भी लिख सकते हैं, ठीक है, शुड बी पोलाइटनेस एक्सप्रेस करने के लिए आप शुड बी लिख सकते हो, मतलब ये नहीं है कि लिखना ही है लेकिन लिख सकते हो, शैल बी हमेशा सही होता है लेकिन आप जरूरत पड़ने पे शुड बी लिख सकते हो, चले लेट्स हेल्प दिस मैन शुड बी, तो ये अपना ध्यान देना, अगर लेट्स हमने लिखा हो इंपेरेटिव सेंटेंस में तो उसका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग बनाना शुड बी या शैल बी हमेशा सही होता है, शुड बी पोलाइटनेस वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है, अगला क्वेश्चन देखो, शैल जरूरी है, हां ना मेरा जवाब क्या है, तो हां जरूरी है, बस बात करना, ठीक, अब यहां They didn't help him when he requested them. They requested him, but he didn't help them. अभी जो दोनों लिखे गए sentences हैं, इनमें एक बार देखना. They didn't help him. ये main clause है. बिना statement के लिखे ना बच्चे, तो ये main clause हो गया, ठीक है? They requested him. ये भी main clause है. जो statement हमने बिना conjunction के लिखा, वो main clause है. When जो है, ये देखो कैसा conjunction है? Subordinate. तो ये subordinating clause है. ठीक? But he didn't help them. But कैसा conjunction है? Coordinate. ठीक है? तो ये coordinate clause है. तो ये पहचान लिया कि अब इस बार जो हमारे पास sentences हैं, इनमें एक मेन क्लॉज है और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज और एक कॉर्डिनेट क्लॉज। अब सारे बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर आपको कभी कोई ऐसा सेंटेंस मिल जाए जिसमें दो स्टेटमेंट्स हो, एक मेन क्लॉज हो बिना कंजंक्शन के जो लिखी जाती है वो, और एक कॉर्डिनेट या सबॉर्डिनेट क्लॉज हो, तो क्वेश्चन टैग लिखा करो मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग, मेन क्लॉज। अब मेन क्लॉज क्या है? दे डिडंट हेल्प हिम, तो दे डिडंट हेल्प हिम का क्वेश्चन टैग बनाओगे तो हो जाएगा डिड दे, यस दे डिडंट हेल्प हिम डिड दे, यहां पे लिखा दे रिक्वेस्टेड है मेन क्लॉज में, डिड दे, तो दे रिक्वेस्टेड इन द मेन क्लॉज है ना, वो पॉजिटिव है, वहां पर क्या है मेन क्लॉज नेगेटिव,
या दूसरा का स्टेटमेंट हो, मेन क्लॉज हो, कोऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो, तो उसमें क्वेश्चन टैग हमेशा मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग, मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो अब एक चीज और बता देता हूं, कोऑर्डिनेट क्लॉजेस के केस में अगर हम चाहें तो कोऑर्डिनेट क्लॉज के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, मतलब भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि लिखना ही है। तो अगर हम यहां पे चाहें तो जो हमारी कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये डिडंट हेल्प देम, इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, ठीक है, ऑप्शनल है। तो मतलब कोऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेटिंग और मेन क्लॉज के केस में क्वेश्चन टैग मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग लिखा करो, लेकिन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज के अकॉर्डिंग भी लिखा जा सकता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के अकॉर्डिंग नहीं लिखा जा सकता, लेकिन कोऑर्डिनेट क्लॉज के अकॉर्डिंग भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो दे रिक्वेस्टेड हिम बट ही डिडंट हेल्प देम के दो क्वेश्चन टैग बन सकते हैं, एक डिफॉल्ट क्वेश्चन टैग मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग डिडंट थे, और एक अगर हम चाहें तो कोऑर्डिनेट क्लॉज के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, डिड ही, ठीक है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज के अकॉर्डिंग कभी क्वेश्चन टैग मत लिखना, फिर मेन क्लॉज के अकॉर्डिंग लिखना, डिडंट हेल्प मी व्हेन ही रिक्वेस्टेड देम पे क्वेश्चन टैग बनेगा डिड, ठीक है। आगे नेक्स्ट हमने लिखा आई थिंक हाउ ही वुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम देयर, मैं सोचता हूं कि वो कैसे वहां से भागा होगा, ठीक है। I think you have made a grave mistake this time. मुझे लगता है इस बात तुमने बड़ी गलती कर दी। अब देखो एक छोटी सी बारीकी है, अगर उसको ध्यान नहीं दोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। बारीकी क्या है, सर्वे समझना। जैसे हमने लिखा आई थिंक यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो यहां पे जो थिंक वर्ब है ना वो किसे एक्सप्रेस कर रही है, ओपिनियन। ओपिनियन किसी स्टेटमेंट से रिलेटेड है, किसी स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। यहां पे जो थिंक वर्ब है वो किसे रेफर कर रही है, ओपिनियन को नहीं, एक मेंटल एक्शन को, ठीक है। और मेंटल एक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है, हाउ यू वुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम देयर, ये ऑब्जेक्ट। I think how he would have escaped from. मैं सोचता हूँ कि वो भागे कैसे होंगे वहाँ से। तो ये mental activity। अभी difference अगर समझ में आ गया तो आगे की बात सुन लो। अगर हम कभी भी ये दो तीन verb का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे think है, believe है, consider है, guess है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी verbs हैं जिनका कई बार जो speaker होता है वो अपना opinion express करने के लिए use करता है, केवल किसी statement से related उसका अपना opinion क्या है ये बताने के लिए use करता है। तो उस situation में इनका use question tag में नहीं करता। तो अगर थिंक वर्ब या बिलीव वर्ब का यूज हम मेंटल स्टेट या मेंटल एक्टिविटी को रेफर करने के लिए कर रहे हैं तब तो हम इनका यूज क्वेश्चन टैग में करेंगे, लेकिन अगर इनके थ्रू ओपिनियंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है तो नहीं करेंगे। अब जैसे हमने यहां लिखा आई थिंक हाउ यू वुड हैव एस्केप्ड फ्रॉम देयर, तो आई थिंक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बना देंगे डोंट आई, तो आई थिंक हमारी मेन क्लॉज है उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन टैग लिख दिया डोंट आई, ठीक है। उसके आगे देखो आई थिंक यू हैव मेड अ ग्रेव मिस्टेक्स, अब हमें पता है यहां पे थिंक जो है केवल ओपिनियन इंट्रोड्यूस कर रहा है, बाकी मेन स्टेटमेंट ये है यू हैव मेड अ ग्रेव मिस्टेक, ठीक है। ये गेव गलती से लिखा हुआ है, ग्रेव लिखना चाहिए बच्चे, ये ग्रेव ना गलती से लिखा, ग्रेव लिखना चाहिए, ग्रेव का मतलब सीरियस होता है, ठीक। तो आई थिंक यू हैव मेड अ ग्रेव मिस्टेक दिस टाइम, हैवंट यू, हैवंट यू, ऐसे लिखते हैं, ठीक। चलो अब दो प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मान लिया, मैं लिख देता हूं अपने चेंज करके दिखाना, ये भी ओके सी, आई बिलीव व्हाट आई सी, ठीक है, आई बिलीव व्हाट ही सेड, I believe he will help us. चलो इनके क्वेश्चन टैग बनाओ। I believe what he said and I believe he will help us. अब देखो बच्चे क्या लिखा है? हाँ ये डोंट लिखा बेटा। I think है ना पॉजिटिव है तो उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। I believe what he said. मैं believe करता हूँ। Believe का मतलब है विश्वास करने की चीज़। मैं believe करता हूँ। किसी चीज़ में believe करता हूँ। What he said जो उसने कहा। तो what he said जो है ना वो object है believe करता है। तो believe यहाँ पे हमारी एक तरीके से main verb है, ठीक है? अब यहाँ पे जो हमने लिखा I believe he will help us। मैं मानता हूँ कि वो हमारी मदद करेगा। तो ये opinion है। ये क्या है? ये opinion है, ठीक है? ये opinion को introduce करने के लिए लिखी गई verb है। तो जब हम किसी statement से related अपना opinion express करने के लिए believe verb का use करते हैं, think verb का use करते हैं, तो वहाँ पे इनके according question tag मत लिखना। तो वहाँ पर I think के according question tag आएगा, I believe के according आएगा, I believe what he said, don't type. यहाँ पर क्वेश्चन टैग आई बिलीव के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, क्योंकि वो आई बिलीव फ्रेज है, वो केवल क्या कर रही है, केवल ओपिनियन इंट्रोड्यूस कर रही है, मेन स्टेटमेंट ही विल हेल्प अस है, तो ही विल हेल्प अस जो मेन स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बनाओ, ही विल हेल्प अस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन टैग बनाओगे तो जाएगा वांट ही, क्या जाएगा बच्चे, वांट ही, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वांट होती है, जिन्हें ना पता होगा ध्यान रखेंगे, विल नॉट की, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म वांट होती है, विल नॉट की भी यही होती है और वुड नॉट की भी यही होती है, वांट, ठीक है। चलो विल ही नहीं बेवकूफ, वांट ही, ये पॉजिटिव लिखा ना, ही विल हेल्प अस, तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा, वांट ही। अगला देखो, Your parents do not need this facility now. कि तुम्हारे parents को अब इस facility की जरूरत नहीं है. Your parents need not worry about you now. तुम्हारे parents को तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है. Answer बताओ. अब देखो. यहाँ पे जो need not हमने लिखा है, ये need model है बच्चे. Worry main verb. यहाँ पे जो do not लिखा है, helping verb है. Need main verb. तो अगर need main verb है, तब तो हम उसका use question tag में कर नहीं सकते. Helping verb पे use करेंगे. Helping verb do है, तो उसका use करेंगे. Your parents do not need this facility now. तो question tag क्या बन गया? Do है. यहाँ पे हमने लिखा नीड नॉट वरी, तो नीड नॉट हमारा मॉडल है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हम सीधे इसका यूज कर सकते हैं, योर पेरेंट्स नीड नॉट वरी अबाउट यू, नीड दे, ठीक है। तो ये हमने मॉडल्स में भी पढ़ा था और ये रिवीजन हो गया, चलो आगे बढ़ो। दीस पीपल मे हेल्प यू इन दिस वर्क, ये लोग तुम्हारी इस काम में मदद कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव टू फिनिश
वर्क बाय द इवनिंग। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मे हेल्प। तो मे हेल्प जो हमने लिखा ना, ये गेस है। हमने पढ़ा था कि मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है, ये भी हमने पढ़ा था मॉडल्स में कि मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है, इसलिए हम मे नॉट का यूज नहीं करते क्योंकि वो मे के मीनिंग में ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है। तो अब हमें पता है कि जो हम क्वेश्चन टैग लिखेंगे, ठीक है, वो हमारे स्टेटमेंट से डिफरेंट होने चाहिए। अब डिफरेंट मे नॉट लिखे तो कर नहीं पाओगे क्योंकि मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है। तो ऐसी सिचुएशंस में जहां पर मे मॉडल का यूज हुआ और हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव लिखना पड़े, तो मेंट मत लिखना, तो वहां पे लिखा रहो कैंट, दीस पीपल मे हेल्प यू, कैंट दे। ठीक है, नेक्स्ट में जाओ, दे हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय द इवनिंग, दे हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय द इवनिंग, आंसर बताओ। अब ध्यान से देखो, ये जो हमने हैव टू लिखा है सेमी मॉडल है, मेन वर्ब नहीं है, सेमी मॉडल है। ठीक है, तो अगर हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज करें तब तो हम इसे क्वेश्चन टैग में नहीं लिखते, लेकिन अगर हम हैव टू को यूज करें तो तुम्हें ध्यान होगा कि हमने क्या पढ़ा था कि जो हैव टू होता है ना सेमी मॉडल, जब हमें नेगेटिव बनाना होता है तो हमें इसके साथ में डू का यूज करना पड़ता है, इंटरोगेटिव बनाना होता है तो भी डू का यूज करना पड़ता है, मतलब जो बात बच्चे समझ गए। ठीक है, तो इस बारी मैं एग्जांपल बता देता हूं, ऐसे देखो, जैसे हमने लिखा दे हैव टू गो देयर, ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, पॉजिटिव है, पर हैव टू हमारा सेमी मॉडल है। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। अब मान लो अगर हम इसे नेगेटिव बनाए तो हम पता कैसे लिखेंगे, दे डोंट हैव टू गो देयर, दे डोंट हैव टू गो देयर। ठीक, और अगर नेगेटिव बनाए, इंटरोगेटिव बनाए, तो कैसे लिखना पड़ेगा, डू दे हैव टू गो देयर, तो हमें लिखना पड़ेगा डू दे हैव टू गो देयर। तो कुल मिलाकर आपको बात समझनी है कि जो हैव टू हम सेमी मॉडल लिखते हैं ये केवल पॉजिटिव सेंटेंस में हैव मतलब एज अ मॉडल यूज होता है। जैसे ही हम सेंटेंस को नेगेटिव इंटरोगेटिव करते हैं तो हमें वहां पे डू डज हेल्पिंग और या डिड हेल्पिंग और यूज करनी पड़ती है। पास्ट टेंस होता तो डिड लिख देते हैं, प्रेजेंट होता तो डू डज लिख देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने लिखा दे हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय द इवनिंग, तो हम यहां पे हैव टू का यूज नहीं कर सकते, हमें डू का यूज करना पड़ेगा, दे हैव टू फिनिश दिस वर्क बाय द इवनिंग, डोंट दे। ठीक है, ये आंसर है। अगले मैं, हिज पेरेंट्स ऑट टू सपोर्ट हिज एल्डर ब्रदर, कि उसके पेरेंट्स उसके बड़े भाई को सपोर्ट किया करते थे, हिज पेरेंट्स यूज्ड टू सपोर्ट हिज एल्डर ब्रदर। ठीक, अब देखो जैसे ये ऑट टू जो और यूज्ड टू होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं, इनका यूज हम क्वेश्चन टैग में कर सकते हैं, पर ध्यान रखना बोलने में ऑकवर्ड लगता है, बोलने में अटपटा लगता है, ऑट टू यूज टू, ऑट नॉट टू यू, ठीक है, यूज नॉट टू, ऐसे बोलने में अटपटा लगता है। तो यूज टू की जगह आप डिड हेल्पिंग और यूज कर लेकर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, क्योंकि यूज टू जो होता है वो क्या होता है, यूज टू पास्ट के रेगुलर एक्शंस पर रेफर करता है। तो जब यूज टू मॉडल यूज हो रहा हो स्टेटमेंट में, तो क्वेश्चन टैग में आप पास्ट टेंस की हेल्पिंग और डिड होती है उसका यूज कर लिया करो, और ऑट टू की जगह शुड यूज कर लिया करो। ठीक, तो ऑट टू की जगह आप यूज कर लिया करो शुड, क्योंकि ऑट टू जो होता है वो सजेशन का मॉडल होता है, शुड उसकी जगह यूज होता है, और यूज टू की जगह यूज कर लिया करो डिड। ये था ना, तो हिज पेरेंट्स ऑट टू सपोर्ट हिज एल्डर ब्रदर का क्वेश्चन टैग बन जाएगा शुडंट दे। ठीक है, हिज पेरेंट्स यूज्ड टू सपोर्ट हिज एल्डर ब्रदर, ठीक है, डिडंट दे, ये हमारा आंसर। ठीक है, अगले भी है, बढ़िया। अगले में, वी वुड रादर गो देयर इन आवर ओन कार, कैसे था हमारी कार में, ठीक है, दे हैड बेटर नॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। अब देखो ये जो हमने वुड रादर लिखा है, ठीक है, हैड रादर लिखा, ये मॉडल से से रिलेटेड है, साथ ही में खत्म कर देंगे। तो
क्वेश्चन एक बार सारे बच्चे समझ लेंगे। देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा, दे नो एंड सो सो डू वी, ठीक है। दूसरा, दे डोंट नो हिम एंड नाइदर डू वी। अब यहां पे ध्यान से देखना, हमने एक स्टेटमेंट लिखा दे नो हिम और एक स्टेटमेंट लिखा दे डोंट नो हिम। ये दो स्टेटमेंट हो गए, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, और ये एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक। यहां पर हमने लिखा सो डू वी और एंड नाइदर डू वी, इसका पहले मतलब समझना क्या हुआ। दे नो हिम, वो उसे जानते हैं, एंड सो डू वी, और हम भी जानते हैं, तो एडसेंट स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। दे डोंट नो हिम, वो उसे नहीं जानते, एंड नाइदर डू वी, और ना ही हम जानते हैं। तो ये जो लिखे गए स्ट्रक्चर्स हैं ना, जो शॉर्ट स्ट्रक्चर्स हमने कॉमा के बाद लिखे, ये है एडसेंट स्टेटमेंट। मान लो हमने कोई स्टेटमेंट दिया, ठीक है, और उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें कोई नई जानकारी देनी है, ठीक है, किसी नए सब्जेक्ट को लेकर, तो हम उसी स्टेटमेंट के बाद में एक शॉर्ट स्ट्रक्चर यूज कर लेते हैं जो किसी नए सब्जेक्ट को लेकर वही इन्फॉर्मेशन देता है। तो इन शॉर्ट स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं एडिशन टू स्टेटमेंट। दे नो हिम स्टेटमेंट हो गया, एंड सो डू वी उसका एडिशन टू स्टेटमेंट हो गया, ठीक। अब यहाँ पे सारे बच्चों को ध्यान क्या रखना है कि एडिशन टू स्टेटमेंट बनाने के लिए हमें दो बेसिक्स पर ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट के लिए एडिशन का यूज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर होता क्या है बच्चे, अगर हमारा स्टेटमेंट हो पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो अलग स्ट्रक्चर, और नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो हम अलग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो हम सो एडवर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद इनवर्टेड फॉर्म लिखेंगे। इनवर्टेड फॉर्म का मतलब है हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट नया होगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब हमें मेन स्टेटमेंट में जो हमने टेंस वगैरह यूज किया उसके अकॉर्डिंग यूज करनी पड़ेगी। अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव हो तो जब हम उसका एडिशन टू स्टेटमेंट लिखेंगे तो हम नाइदर या नॉर में से किसी एक का यूज करेंगे। ये जो नाइदर और नॉर है ना, ये भी एडवर्ब होते हैं यहां पे, और फिर उसके बाद इनवर्टेड फॉर्म लिखेंगे, इनवर्टेड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। तो बस ये दो बातें हमें ध्यान रखनी कि एडिशन टू स्टेटमेंट बनाते समय अगर हमारा स्टेटमेंट जो है, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा तो हम सो एडवर्ब का यूज करेंगे, अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव होगा तो हम नाइदर या नॉर में से किसी एक का यूज करेंगे, और दोनों के साथ में इनवर्टेड फॉर्म लिखेंगे। इनवर्टेड फॉर्म का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले। अब यहां देखो हमने लिखा दे नो हिम स्टेटमेंट पॉजिटिव था तो हमने यहां पे सो का यूज किया, सो डू, ये एंड ऑप्शनल है, चाहे इसे लिखना लिखा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। दे डोंट नो हिम नेगेटिव था तो हमने नाइदर लिखा, नाइदर, और ये देखो डू हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा, ठीक। ये एडिशन टू स्टेटमेंट बस इतना ही होता है। आ जाओ, ये दो क्वेश्चंस लिखे सही करना, पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते थे, ये दो स्टेटमेंट लिखे जल्दी सारे लोग सही करना। यू आर इनवाइटेड टू कम एज बर्थडे पार्टी, इन क्वेश्चंस में देखना बेटा कन्हैया गुप्ता जो पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दिया करो, इधर की बातें क्या होगा अगला टॉपिक, ठीक है। आज तक मैंने कभी तुम्हें पहले बताया कि मैं अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करूंगा, अब तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट है मुझे ये बताओ। तुम्हें जो पढ़ाया जा रहा है तुम्हें उसकी चिंता नहीं है, जो तुम्हें पढ़ाया जा चुका है उसकी चिंता नहीं है, ठीक है। नोट्स पता नहीं बनाए होंगे कि नहीं बनाए होंगे, रिवीजन करा होगा कि नहीं करा, आगे क्या होगा इसमें बड़ा इंटरेस्ट, मतलब जो मेरी जिम्मेदारी है उसमें तुम्हें बड़ा इंटरेस्ट।